गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हर्षिता मान्या व्लॉग में। और मैं आप लोग नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में बोली थी कि मैं मिट्टी के चूल्हा बनाऊंगी, तो ये देखिए मैं मिट्टी का चूल्हा बना रही हूँ क्योंकि मम्मी बोली कि ठंड का मौसम है तो मिट्टी का चूल्हा बना दो। तो अब गैस पे उतना कम ही बनाऊंगी, जो दूध वगैरह का वही गैस पे गर्म करूंगी। ऐसे मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी तो आग भी हो जाएगा और मतलब बवा सबको सेकने के लिए आग भी हो जाएगा, खाना भी बन जाएगा हम लोग का, तो वही ठीक रहेगा और अच्छा भी है। गैस चूल्हा पे बन जाएगा तो गैस पे नहीं बनेगा, अभी कम ही बनेगा तो इसीलिए बन गया। और मेरे घर नानी घर से आया है, गोइठा वगैरह आएगा तो मम्मी बोलते वहाँ दो ही मैं बना रही थी। मैं पहले भी बनाई थी तो मैं 5-6 साल से नहीं बना रही हूँ क्योंकि शादी के 2 साल पहले से ही छोड़ दी थी बनाने के लिए। मैं हमेशा छठ पूजा में बनाती थी सबका, तो जब शादी के बाद यहाँ नहीं आती हूँ छठ पूजा में, मतलब एक बार आई थी तो उस वक्त भी नहीं बना पाई थी, और तो इसीलिए मैं इस बार बना रही हूँ। और मैं और ये देखिए मैं दो चूल्हा बना रही हूँ। मेरी चाची भी बोली जो है ना, वो बोली कि हम भी बनाएंगे चूल्हे पे, जो मेरे लिए भी छोटा सा बना दीजिए मीडियम का, तो वही मीडियम वाला छोटा सा। मैं ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाऊंगी और छोटा भी नहीं, मीडियम का जो होता है ना वही बनाऊंगी, मीडियम वाला वजन वाला, तो वही मैं बना रही थी। तो मैंने ये ठोक ठाक, पहले अब तो अच्छे से मिट्टी ठोक करके ही उसको अति करना पड़ता है, सान के भूसा मिलाना पड़ता है। ऐसे भूसा मिलाने से ना गेहूँ का भूसा मजबूत रहता है, चूल्हा टूटता नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे इसमें भूसा मिला करके मैं बना रही हूँ। तो पहले तो आप अच्छे से सान के उसे गोल से ठोक लीजिएगा, जो मैंने आपको पहले देखा अपने वीडियो में, ठोक के उसे खड़ा करना है वैसे ही। फिर उसके में जो होता है ना पुत्ता, जो आया का बोलते हैं, वो पुत्ता बोलते हैं मेरे यहाँ इधर उसको, तो इसीलिए उसको ऐसे करके फिर इसे सूखने दूंगी आज, तो थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा तो फिर कल लगाऊंगी मिट्टी। तो इसके चक्कर में मुझे सर्दी भी हो गया माटी गिनते गिनते, तो ये तो ऐसे हो गया है बस इसको ऐसे ही करके। तो चलिए मैं मिलती हूँ कल आपसे। तो अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मिट्टी ज़्यादा गीला भी मत कीजिएगा नहीं तो हो जाएगा। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे अगले दिन। तो ये देखिए ये छोटा वाला चूल्हा देख रहा, सबसे छोटा ये मान्या का चूल्हा है। वो बोली मम्मी मेरा भी बना दो चूल्हा, मतलब प्यार से बोल रही थी, तो मैं उन्हें उसका ही बना दी। और अभी मैं लगा रही हूँ मिट्टी, थोड़ा आधा आज लगाऊंगी और पूरा फाइनली कल पूरा करूँगी। तो ये देखिए अब ऊपर का जो है, ऊपर मैं लगा रही हूँ मिट्टी में अच्छे से। मिट्टी अब ज़्यादा गिल्ला करके मत लगाइएगा नहीं तो चूल्हा जो है पलट जाता है, मतलब गिल्ला से वो ती होने लगता है, डल मोटा हो जाएगा और अच्छा भी ज़्यादा नहीं होगा। तो आप जहाँ ज़्यादा मोटा चूल्हा करेगा ना ज़्यादा पतला आप बराबर रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है चूल्हा। तो ये मैं अपने मतलब बहुत दिनों से बनाई नहीं हूँ तो भूली हूँ, फिर भी जैसे तैसे मैं बनाई हूँ, फिर भी इतना कोशिश करने के बाद भी मतलब इतना अच्छा बना है कोशिश में, तो इसीलिए मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं इतने सालों बाद जैसा भी अच्छे इतना अच्छे से बना सकती हूँ। तो चलिए मैं मिट्टी लगा लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। और ऐसे ही लगा के फिर आगे, फिर यहाँ जो आप देख रहे हैं मुँह पे, इस यहाँ भी लगाऊंगी मिट्टी को अंदर से ही। मतलब मैं लगा रही थी क्योंकि अंदर भी हल्का लगाना पड़ेगा, और पहले तो मैं अंदर कल लगाऊंगी, आज तो हल्का फुल्का लगाई हूँ, आज तो मैं सिर्फ बाहर से लगा रही हूँ और बाहर से लगाऊंगी, अंदर से तो कल ही लगाऊंगी। तो फिर इसका जो मुंह है वो मैं घेर देती हूँ, यहाँ वाला आगे वाला। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगले दिन, तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो। और अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और पसंद आया वीडियो तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर कमेंट बताइएगा कि क्या किधर से गलत है और किधर से मतलब अच्छा से है, किधर ख़राब हो गया है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा।
तो ये देखिए, फिर मैं उसी दिन का तो ये सब तो मैंने लगा दी हूँ। अब मैं बाहर से थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो ये बाहर का कर लेती हूँ फटाफट से, नहीं तो धुपा चला जाएगा तो फिर ये बार आएगा नहीं, मतलब अच्छे से धुपे नहीं लग पाएंगे। तो मैं ये फटाफट कर रही थी, और इसको मतलब पूरा तो मैं कल ही करूँगी, पर इसे मैं आज अच्छे से आधा कर देती हूँ। कल सिर्फ अच्छे हल्का अंदर से मिट्टी लगाने के रहेगा, बाहर से लगाना नहीं पड़ेगा। बाहर का आज मैं लगा देती हूँ तो इसलिए मैं कल का सिर्फ रहेगा मिट्टी लगाना, तो इतना टेंशन नहीं रहता है रहेगा तो मैं इसीलिए इसको जानते मिट्टी चूल्हा बनाने के चक्कर में मुझे मतलब सर्दी हो गया था, क्योंकि मिट्टी ठंडा होता है ना, और ये चिकनी मिट्टी है, मेरे इधर से चिकनी मिट्टी कहते हैं, तो ये मिट्टी बहुत ठंडा, जैसे मुल्तानी मिट्टी होता है ना उसी की तरह ये भी होता है, तो ये बहुत ठंडा होता है ना मिट्टी, इसीलिए इसे गिरने के चक्कर में मुझे मतलब पूरा सर्दी बुखार हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए फिर मुझे अपना करना पड़ा। और ये देखिए मैं अभी इसको बाहर से कर देती हूँ पूरा, नहीं तो पूरा बच जाएगा। ये अच्छे से कर लूँगी तो उतना दिन नहीं पड़ेगा, तो पहले मैं बाहर लगा देती हूँ। और मैं मतलब बहुत दिनों बाद पार दादा, फिर दादा भी मेरे बोले कि मेरे लिए बोरसी भी पार देना, तो मैं बोली ठीक हूँ दादा, बस पार दूँगी। तो पार दी तो दादा को बहुत अच्छा लगा था, अभी तो पारी नहीं हूँ बट मतलब दोनों चूल्हा रेडी करने के बाद उसे लास्ट में, तो 1 घंटा का काम है, 1 घंटा भी नहीं लगता उसमें, मुश्किल से 10-15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगता। तो वो तो तुरंत मैंने बना दी ये चूल्हा सब पूरा फिनिश करने के दिन, यानी कल। तो आज तो मैं पहले यहाँ पे कर लेती हूँ फिनिश पूरा, पहले इसको बाहर से तो कर लूँगी तो उतना थी नहीं रहेगा। और फिर मैं इसे करके तो मैं मिलती हूँ आपसे कल। तो कल मतलब मैं इतना आती हो गई थी तो उसे शाम हो गया था, मैं भूल गई थी मिट्टी लगाने के लिए उसमें, कि मुझे लगा कि मैं बना चुकी हूँ, पर मम्मी बोली कि क्या तुमको आज मिट्टी नहीं लगाना चूल्हा में, जो ऐसी छोड़ी हुई है उसको। तो मैं बोली कि, फिर मम्मी को बोली कि नहीं मैं तो मिट्टी लगा चुकी हूँ, मैं बोली कि नहीं लगा है, मिट्टी वैसे ही है, जाके लगाओ, जाके देखो चूल्हा वैसे ही है। तो मैं गई और अपना अथी करी, तो देखते रहिए ऐसे ही वीडियो। और मैं अभी इसको लगा के फिर मैं करती हूँ आपको कंटिन्यू, क्योंकि इसको ऊपर से भी बराबर करना है, तो मैं हल्का फुल्का पहले आज कर लेती हूँ, बाकी बात कल करूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट में अगले दिन। और इसे बनाने में मतलब इतना मेहनत कि क्या बोलूँ, मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा था, मतलब मैं डर भी रही थी कि कहीं ख़राब ना हो कहीं से। और अभी मैं आ गई हूँ तीसरे दिन, मतलब ये तीसरा दिन है, और आज मुझे इसे अंदर से सिर्फ मिट्टी लगाना है और फुल ऑन फाइनली इसे पूरा कर देना है। तो ये देखिए उसका सिर्फ अंदर से मिट्टी लगा रही हूँ, तो इसको अंदर से मिट्टी लगा करके और बस अंदर से इसे मजबूत करना है, बाहर से तो ये हो चुका है। और ये अब वो सोच रही हूँ कि कोई और चूल्हा था तो उसमें मैं मिट्टी लगा चुकी हूँ, उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो वो भी बन चुका है, वो साइड में ही है इधर, तो इसीलिए। और इसको बनाने में इतना मेहनत लगा मुझे कि मतलब मैं डर भी रही थी कि कहीं ख़राब ना हो जाए, डर डर के मैं बनाई हूँ कि कहीं ख़राब हो जाएगा तो अच्छे से नहीं, अच्छा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, याथी भी नहीं होगा, या फिर मतलब होता है ना अच्छा नहीं लगता तो ख़राब लगने लगता है, इसलिए मैं कोशिश में आराम आराम से बना रही थी डर डर के ये ठीक हो जाए, अच्छा से हो जाए। तो लेकिन अच्छा बना है चूल्हा, बहुत अच्छा बना, आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसा बनाइए।
क्योंकि मैं तो कोशिश कर ही रही थी अच्छे बनाने के का, तो मम्मी बोली कि बहुत अच्छा बना है, जो 2 साल बना जाए 3 साल बाद बनाओ अच्छा ही बनता है। और अंदर से मिट्टी लग चुका है तो मैं थोड़ा सा बाहर से यहाँ पे है ना आगे यहाँ लगा देती हूँ तो वो अच्छा रहेगा। और ये कितना चिकना हो गया है बनाने के बाद, तो अभी भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बचा हुआ था मिट्टी लगाने का, तो मैं देख देख के अच्छे से कहीं थोड़ा थोड़ा लगा रही थी मिट्टी की, कहीं अच्छे से लग जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसीलिए। और अब ये चूल्हा हो चुका है रेडी, तो अब मैं इसमें जो उचकुन होता है ना, उचकुन जो बोलते हैं वो लगाऊंगी, उचकुन गोला गोला करके पहले पहले हल्का सा इसका, और जो है ना मुँह में जो ठीक कर देती हूँ और इसको अच्छे से बना के फिर मैं अपने इसमें उचकुन डालूंगी। तो हो चुका है, बस इसको ठीक करना है, थोड़ा सा और ऊंचा करना था क्योंकि थोड़ा इधर से नीचा लग रहा था देखने में, तो मेरी चाची बोली कि भी थोड़ा सा नीचा लग रहा है, इसे इधर से थोड़ा सा और मिट्टी दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बढ़िया बनेगा। तो मैं बोली कि ठीक है मैं दे दूँगी, तो वही मैं दे रही थी। मतलब मिट्टी गिनने में तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, बचपन से ही मैं खूब मिट्टी गिनती हूँ। और अब वो हो चुका है तो अब मैं इसको दे रही हूँ उचकुन, क्योंकि दे दूँगी तो तब जा किसी पे अड़केगा ना, कोई भी बटुआ या तवा कढ़ाई इसी पे, तो दे दूँगी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसा बना कैसा है, एंड आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं बोरसी भी दिखाऊंगी, जो मैं दादा का जो बोरसी बनाई हूँ आग तापने के लिए ठंड में, वो बोले कि बना दो उसी में लहका लहका के जो होता है ना लकड़ी वगैरह वो जला जला के उसी में तापूंगी रख के अपने रूम में। मैं बोली ठीक है दादाजी मैं बना देती हूँ, तो इसीलिए मैं उनके लिए बनाऊंगी। तो ये चूल्हा का हो चुका है, तो बस इसी को यही लगाना है उचकुन इसका लगा के फिर मैं अपना करूंगी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको बोरसी, और ये देखिए मेरा फाइनली दोनों चूल्हा हो चुका है रेडी। तो यहाँ देखिए जो बगल में अब दिख रहा है यही बोरसी है गोल वाला, इसमें मैंने यही बोरसी बनाई हूँ। और ये देखिए कैसा लगा चूल्हा, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये बोरसी है, तो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आप सभी को।